जो मरूं, जो अरशद है, दोस्त हैं, ये लोग ऑटो चलाते हैं, ये पूरा असद बाबा नगर किशन बाग में रहते थे। थोड़े दिन पहले ये मरूं अरशद को और एवन वहीद खान को बीच में कुछ पीने में कुछ दोनों के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई होते एवन का माँ क्या बोली, यहाँ रहना अच्छा नहीं है बोल के यहाँ से असद बाबा से बाबा नगर से निकल के अशमाल में पहुँचे। मगर इन लोगों के बीच में वैसी दुश्मनी थी। 4 तारीख के शाम इन लोग ऑटो चलाते थे। ये अतापुर में एक रात में 2 बजे टाइम में ये वहीद खान और उसके साथ और एक ये ट्रांसजेंडर के साथ कुछ हरकत करते हुए उन लोगों से पैसे छीनते हुए ये मरूं और उसका साथियां देखे थे। फिर वो ट्रांसजेंडर से पैसे कैसे लेते कैसे ले रहे बोल के ये दोनों लड़ाई हुआ। जब मरूं और उसका साथियां वहीद खान को मारे थे, उन्हों अस्पताल जाके ट्रीटमेंट लेके ले गए थे। वो दुश्मनी मन में रख के 5 तारीख की शाम में इन लोगों को बुलाया। वहीद खान कॉम्प्रोमाइज़ होएंगे बोल के उन लोगों को बुलाया। उससे पहले तो उनका दोस्तों आमिर, शोएब और यूसुफ इन लोगों को बुला लिया। उसका माँ की भी बोले हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते बोल के फ़ोन करके बुलाया। उन लोग आने से पहले इन लोगों थोड़ा बियर पिए, फिर किशनबाग में डिज्नीलैंड होटल के पास आओ बोल के जो मरूं और उनके साथियाँ बोले थे, उनके साथ में जो है बोले थे, इन लोगों को बियर पी के उनका माँ के साथ एवं वहीद खान के माँ के साथ ऑटो में ये डिज्नीलैंड होटल किशनबाग में पहुँचे थे। 5 जने वो ऑटो ये वहीद खान ही चला रहे थे। वहाँ उतर के एक एक देने के बाद देख लिए, घुर के देखने से ये मरूं वहीद खान का जो गला पकड़ के दखलने से इन लोगों के साथ ऑलरेडी इन लोगों प्रिपेयर है, अगर कुछ हुआ तो उन लोगों को देखेंगे बोल के इनके साथ नाइफ थे, नाइफ के उसको मारे, उसको 5-6 जख्म हुआ और सीने पे और स्टमक पे हुआ था। फिर और एक इनका दोस्त है इन लोगों और बियर बाटल भी तोड़ के फोड़ के और मोस जमील को भी मारे थे, उसको सर पे मार लगा मार के भाग गए थे। वो टाइम पे उनका माँ भी थी साथ में ऑटो में, उनकी भी मालूम था। फिर वहाँ का इंफॉर्मेशन आते थे पुलिस उन लोगों को पब्लिक के सहारे में अस्पताल ले गए थे। मगर बदनसीबी वो अरशद तो बच नहीं सका, उनका मौत हुई और जमील का जख्म इलाज करके छोड़ा। और 4 लोगों को अरेस्ट करे, वो चारों का नाम है वहीद है इनका मेन, दुश्मन भी उनसे था और उन्हें जो अरशद जो मरे है उनको चाकू से मारे थे, रिप्लान नाइफ लेके गया उन्होंने मारे थे और उनके साथ और एक दोस्त है उन्होंने बाटल फोड़ के दूसरे को मारे थे। वो पब्लिक में हुआ, पब्लिक में देखे थे उन लोगों को गवाह से, अब केस को सख्त कार्रवाई करके लोगों को सजा दिलाने के कानून की तरफ से पक्का कोशिश करेंगे। सर इसमें लेडी का नाम भी बताया जा रहा है सर, उनको मालूम है, उनको मालूम है वो लोग अगर कॉम्प्रोमाइज़ ना होने के उनको भी मालूम है उसको मारने के वास्ते मारेंगे बोल के लेके आए उनको घर से। उन्होंने नाइफ लेके उनका बेटे के साथ नाइफ लेके उन्होंने घर से निकले। सर इसके कोई भी प्रीवियस केसेस है सर कोई भी पुलिस में? तो हमारा तो अभी तक तो प्रीवियस केसेस तो मालूम नहीं है, मगर कंप्लेंट नहीं है
ठीक है, एरिया में न्यूसेंस करते बोल के है, अगर कोई अभी जो बोल रहे हैं इन लोगों बहुत न्यूसेंस करते थे बोल के, तो आपस में लड़ाई उससे सेपरेट होने के बाद भी फिर लड़ाया लड़ाई हुई, उसका अंजाम ये हुआ। अभी क्या क्या केसेस बुक करें सर, सेक्शन बुक करेंगे? अभी तो एक सर मिला नहीं इसमें कोई चीज़ सब नहीं, जिससे हाँ उसका नरा नाइफ तो बरामद हुई अभी उसमें ऐड करके देते हैं जो चीज़ें अब्सकैंड अपना हिरासत में नहीं है। कुछ बोल रहे थे।